कानपुर देहात में बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जब अपराधी को पकड़ने पुलिस पहुंची, पुलिस टीम पर हमला हुआ है। 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें पुलिस के अधिकारी हैं, सिपाही हैं और उसके अलावा कई लोग घायल हैं। इस वक्त हमारे साथ हितेश चंद्र अवस्थी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के DGP हैं। सर, आज तक में स्वागत है। ये बताइए कि पूरी डिटेल क्या है इस वक्त? देखिए, जो सूचना यहाँ पे प्राप्त हुई है वो ये है कि एक केस दर्ज हुआ था जिसमें इस व्यक्ति का, जो विकास दुबे नाम का आदमी है और बहुत शातिर अपराधी है, 60 मामले इसके खिलाफ़ गंभीर नेचर के दर्ज हैं। इसने किसी को जान से मारने की कोशिश की। उस सूचना पर पुलिस पार्टी इसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए, इसके विरुद्ध ऑपरेशन के लिए इसके गांव में, बिखरू नाम का गांव है, वहां पर गई थी। रात का समय था और CO जो हमारे थे बिल्हौर के, वो इसको हेड कर रहे थे पार्टी को। उसमें 3 सब इंस्पेक्टर, जिसमें SO लेवल के भी लोग थे और तमाम सारे कांस्टेबल्स हमारे थे, वो गए। वहाँ पर रास्ते में उस पार्टी के एक JCB मशीन खड़ी थी, जो मुझे लगता है कि जानबूझ करके खड़ी की गई थी ताकि पुलिस पार्टी को उतरना पड़े गाड़ियों से। और उस स्टेज पर जब हमारा ऑपरेशन के लिए टीम जा रही थी वहाँ पर, तब इस तरह ऑब्स्ट्रक्शन इन्होंने किया और जब पार्टी उतरी तो ऊपर से फायरिंग उसके ऊपर होने लगी। हमारे आदमियों ने भी गैलेंटली जवाब दिया उसका, लेकिन चूंकि सरप्राइज़ का एलिमेंट था और ये हाइट पे थे, इस वजह से गोलियां हमारे आदमियों को लगीं और घायल भी हुए हमारे अधिकारी और 8 ऑफिसर्स को हमारे वीरगति प्राप्त हुई। और ये लोग उस कायरतापूर्ण ये कार्य करके पीछे के दीवाल से कूद करके भाग गए हैं। खैर, हमारे जवानों ने उसके बाद भी इनका मुकाबला जारी रखा और तब से लेके अब तक बराबर ऑपरेशन में लोग लगे हुए हैं और हमारी टीमें इनका पीछा कर रही हैं। और वहाँ पे सारे सीनियर ऑफिसर तत्काल पहुँच गए थे। हमारी प्रायोरिटी थी कि जो आदमी हमारे इंजर्ड हुए हैं उनको दवा और उसका प्रबंध किया जाए मेडिकल, तो उनको अस्पताल भेजा गया, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है और ऑपरेशन भी चल रहा है। और हमें उम्मीद है कि हम इन लोगों को बहुत जल्द अकाउंट फॉर कर लेंगे। और सारे ऑफिसर्स हमारे मौके पर तत्काल पहुंच गए थे। SSP सबसे पहले ही पहुंच गए थे, उसके बाद IG और वहां के लोकल ADG पहुंच गए थे। और इस ऑपरेशन की गंभीरता को देखते हुए हमने मुख्यालय से ADG लॉ एंड ऑर्डर को तत्काल भेज दिया है, वो भी कानपुर में हैं इस वक्त। और साथ ही STF को हमने इसमें लगाया है ताकि किसी तरह का कोई इनको फ़ायदा न मिल पाए भागने में। और हम इनको निश्चित रूप से समयबद्ध रूप से अकाउंट फॉर करेंगे। और जो इन्होंने डास्टर्डली एक्ट किया है, क्राइम किया है वो, और जो इनका अपराध है जिसके आधार पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, उन दोनों में हम इनको अकाउंट फॉर करेंगे। सर, ये आदमी कुख्यात है क्या? ये भाग करके आया था क्या? ये वहाँ पर छुपा हुआ था? और इसके इतिहास के बारे में भी कहा जा रहा है कि इसने पहले भी थाने में हत्या की। ऐसा बताया जाता है कि इसने पहले भी हत्या की है और इसने एक हत्या नहीं, कई हत्याएं कर रखी हैं। और ये भागा हुआ था ऑब्वियसली, इसकी जानकारी जो है, ये भागे हिस्ट्री शीटर है हमारा, और हिस्ट्री शीटर होने के नाते शातिर अपराधी भी है। और ये छुपा रहता है आमतौर पे, इसकी जानकारी कम मिल पाती है या अवेलेबल नहीं होता है। तो ये सारी जानकारियाँ हैं, चूँकि 60 मुकदमे हैं इसके खिलाफ, तो ये सारी जानकारियाँ थी। लेकिन ये मालूम करके कि इसकी संभावना है वहाँ होने की, हमारी पार्टी गई थी और अच्छी मजबूत पार्टी भेजी गई थी। सर, लेकिन लगता नहीं है कि कहीं आपका इंटेलिजेंस फेलियर रहा? क्योंकि संभलने का भी मौका नहीं दिया, इनके पास पूरी तैयारी थी, इनको पूरी जानकारी थी मूवमेंट की, तभी इन्होंने बीच रास्ते में लगा के रख, JCB भी लगा कर रख के रखा हुआ था, हाइट ले रखी थी। तो लगता नहीं इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं आपका फेलियर हुआ है, या फिर इनकी इनके पास पुख्ता जानकारी पुलिस के मूवमेंट की पहले से थी? निश्चित रूप से पुलिस के मूवमेंट की उनके पास जानकारी थी, लेकिन अभी बहुत अर्ली है इस बारे में कहना कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर था या नहीं था। आमतौर पर जो दबिश जाती है उसमें इतने वरिष्ठ अधिकारी नहीं जाते हैं। तो ये तो जानकारी थी ही कि ये शातिर अपराधी है और इसीलिए इतनी बड़ी टीम भेजी गई थी। लेकिन अंधेरा और कुछ चीज परिस्थितियाँ हैं जिनके विषय में अभी मैं कॉमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमारे घायल आदमियों की इलाज हो ठीक से, और इन लोगों को जो भागे हुए हैं उनको हम जल्दी से जल्दी पकड़ें, अकाउंट फॉर करें, ये हमारी प्रायोरिटी है। बाकी चीज़ें हम बाद में देख सर, लेंगे। बताइए क्या AK-47 का इस्तेमाल हुआ है और कितने लोग आपके अंदाज आपके मुताबिक वहाँ थे जिन्होंने इन पर फायरिंग की? देखिए, हमारी फॉरेंसिक टीम वहाँ पर पहुँच रही है, एक पहुँची हुई है और लखनऊ से भी एक फॉरेंसिक टीम गई है।
जब वो इन जो वहाँ पे एम्यूनेशन खोखे मिले हैं उन सब का एग्जामिनेशन करेगी तो ये कहा जा सकेगा कि कौन सा वेपन यूज़ हुआ है। निश्चित रूप से कोई सोफिस्टिकेटेड वेपन यूज़ हुआ है, लेकिन क्या वेपन है इस बारे में भी कमेंट करना प्रीमेच्योर होगा। और ये सारे तफ्तीश का पार्ट है, जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी सारी चीज़ें। एक और सवाल कि क्या कोई एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है? कहा जा रहा है कि इनके 3 लोग पुलिस ने एनकाउंटर इनके किए हैं, ऐसी सोर्स से जानकारी आ रही है, क्या आपके पास कोई ऐसी जानकारी है? मेरे पास किसी इनकाउंटर की जानकारी अभी नहीं है। मेरे पास जो जानकारी है वो केवल ये है कि रात से ही हमारी टीमें, चूँकि ये मौके का फ़ायदा अंधेरे का उठा करके भागे हैं, और बराबर जो पुलिस जन हैं उन्होंने साहसपूर्वक उस वक्त भी इनका मुकाबला किया था और उसके बाद भी इनको बराबर चेज़ कर रहे हैं। और चूँकि ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए क्या प्रगति है ये एकदम से मैं नहीं बता पाऊँगा आपको, ये आपको स्थानीय स्तर से पता करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास अभी जानकारी ये है कि तमाम सारी पुलिस पार्टी इनको पूरे जनपद में और जनपद के अगल बगल के जनपदों में ढूंढने और पकड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। कब तक आप इन पर काबू पा पाएंगे, पकड़ पाएंगे, या कहीं ना कहीं ये इनकाउंटर इनके साथ होगा? मैं यही कह सकता हूँ कि हम शीघ्रातिशीघ्र इन अपराधियों को पकड़ने के सारे उपक्रम कर रहे हैं, इसीलिए इतने सारे वरिष्ठ अधिकारियों को वहाँ भेजा है हमने, इतना फोर्स लगाया है। नेबर के ज़िले जो हैं, बगल के ज़िले हैं, वहाँ से भी फोर्स को क्लोज किया है। हमारा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के DGP हितेश चंद्र अवस्थी। साफ तौर पर कह रहे हैं कि बड़ी वारदात को उन्होंने अंजाम जरूर दिया है, लेकिन उनको जल्द से जल्द उन्हें भी इसकी सजा मिलेगी।